हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे सभी लोग, और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी वीडियो मैं नहीं कोई डाल रही हूँ, वीडियो डाले 8-10 दिन हो गए हैं, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और ये आप देख सकते हो आज मैं क्या अनबॉक्स कर रही हूँ। मैं अनबॉक्स, कोई कपड़े करता है, मैं अनबॉक्स कर रही हूँ अंगूर और संतरे, क्योंकि नक्श के पापा आए थे और वो वहीं से हरियाणा से फिरोजपुर चरका से अंगूर और संतरे लेके आए हैं। दोस्तों, जो पेटी होती है 15 या 10 किलो की पेटी थी अंगूर और संतरा की, वो दोनों इकट्ठा ही ले आए हैं, क्योंकि भरतपुर में ये महंगे थोड़े फल फ्रूट मिलते हैं। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि यहाँ पर तो मतलब मेरे भाई भी नहीं, पापा भी नहीं, कोई कमाने वाला इतना नहीं, तो रोज़ाना रोज़ाना कहाँ से फल फ्रूट मंगा के खाएं। तो ये मतलब जब भी मैं कभी जाती हूँ तो ऐसा ही करते हैं, पूरा इकट्ठा मुझको वहाँ पर दे भेज देते हैं, या फिर खुद से दे कर आते हैं, मेरे पास ले आते हैं वो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं 2 दिन 4 दिन रह सकती हूँ फ्रूट्स वगैरह, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मुझे नहीं रहा जाता। और यहाँ पर ये संतरे देख सकते हो कितनी अच्छी आई हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मीठी, खट्टी मीठी संतरा थी, और अंगूर भी लंबे वाले थे, और ये लंबे अंगूर भरतपुर में नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी मतलब स्वादिष्ट थे, और मुझे बनानी है अपनी हेल्थ। वैसे तो जैसे कि आपको पता है हमारी गाय दूध वगैरह देती है, खूब दही दूध सब कुछ होता है, लेकिन मुझे जब तक फल फ्रूट नहीं मिल जाते मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, और मुझे इनकी लग गई है लत, आप जैसे कि बोल सकते हो। जैसे कहते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं उनको नशा नहीं मिलता, तो उन्हें ना नींद आती है ना ही कोई काम करने का मन करता है, वही मेरी आदत बन गई है। अगर मुझे ये खाने को ना मिले तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा इनकी आदत लग गई है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी मुझे इसी तरह से इकट्ठा लाकर मुझे खिलाते हैं, और यहाँ पर मैं और टीटू इनको पैक करने में लगे हुए थे, मतलब रखने में लगे हुए थे, क्योंकि ये मैं कहीं जाने गाना वाले गाना हैं। बना बना वीडियो और ये दोस्तों दिन की डालो नहीं डालो नहीं। यहाँ पर एक कबूतर का बच्चा है, इसको लग गई थी चोट और ये रास्ते में पड़ा हुआ था, और ये मेरी भाभी का बेटा है नानू, तो ये उसको उठाकर लेकर आ गया है, क्योंकि इसे लग गई है इसके पैरों में चोट, और ये तो बच्चा है दोस्तों, उसको उड़ा नहीं जा रहा, बस ये पैरों से इधर उधर चलकर भाग रहा था। हो सकता है इसके कुछ ना पैर में भी गोरा चोट हो, पता नहीं। अब ये तो कोई बेजुबान जानवर है दोस्तों, हमें तो नहीं पता इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि इसको कहीं चोट हो तो हम मलहम कर दें। तो इसके पैर पर हमें दिख गई थी चोट, और यहाँ पर हमने बीटाडीन जो थी दवाई हमारे पास, वो हमने इसके पैर में लगा दी, क्योंकि पक्षियों की, ये तो बेचारे नहीं खुद से ये अब कुछ भी कर सकते, और बहुत ही ज़्यादा मतलब नेक काम होता है कि हम कबूतर दवाई लगा रहे हैं, और अगर इस बेचारे की जान बच जाए तो। लेकिन ये थोड़ा अधघायल सा ज़्यादा ही हो गया है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है ये, तो हम इसको पट्टी करने में लगे हुए थे। इसको मैंने दवाई लगाकर और ऊपर से कॉटन लगा दी थी, रुई जो होती है, और ये लेकिन बार बार हटा रहा था उसको, हो सकता है इसको शायद दर्द हो रहा हो दोस्तों, और खून भी काफ़ी निकल गए थे दोस्तों। पता नहीं काफ़ी लोग होते हैं जानवरों को किस तरह से काट देते हैं और खा लेते हैं, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है किसी भी जानवर को इस तरह से चोट लग जाए तो। और यहाँ पर हम कर रहे थे नाज पानी का काम, क्योंकि हमारी जो नाज की टंकी थी वो जो घा मतलब गाय के जो तूड़ा रखा था उसमें रखी थी ये जो नाज की टंकी है, और वहाँ पर चूहे ने सारा नाज ख़राब कर दिया था,
इसीलिए मम्मी ने इसको यहाँ पर बरामदे में रख दिया है। तो हम इसे साफ करके और भरने में लगे हुए थे, साफ सफाई चल रही थी। और यहाँ पर मैं मुंह बंद करके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मिट्टी उड़ रही थी तो वो अंदर जा रही थी मुंह में, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी गैलरी है। गैलरी के अंदर बिल्ली कबूतर को लाकर खाया था तो उसमें इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तो यहाँ पर टीटू गया था अंदर सफाई करने, तो उसने देखा तो कबूतर यहाँ पर पड़ा हुआ था, मतलब उसके पंख वगैरह निकाल कर पटक दिए थे बेचारे के, और उसको खा गई थी। और जो चोट लगी थी दोस्तों, ये वो वाला कबूतर नहीं है, कोई और होगा जिसको वो लेकर आए होंगे। और उसके बाद अनाज वगैरह हमने भर दिया था। और यहाँ पर मम्मी बनाने लग गई चूल्हा, और आपको दिखाती हूँ चूल्हा मम्मी ने कितना अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा चूल्हा बनाया है। लेकिन धूप दोस्तों इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तेज़ धूप की वजह से सिर में भी दर्द हो गया था, और यहाँ पर सिगड़ी में गर्म हो रहा था दूध, और हमारा चूल्हा फूट गया था, इसीलिए मम्मी चूल्हा बना रही हैं। और ये सब चीज़ तो मम्मी ही जानती है, मुझ पे तो दोस्तों चूल्हा बनाना तो बहुत दूर की बात, मिट्टी लगानी भी नहीं आती। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो मिट्टी की और जो इतनी अच्छी मम्मी ने रसोई बनाई हुई है अपनी। यहाँ पर मम्मी रोटी सब्जी बनाती हैं क्योंकि रसोई में तो मम्मी नहीं करती, क्योंकि मम्मी पे खड़ा हुआ नहीं जाता, कमर में दर्द रहता है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मम्मी चूल्हे पर ही बनाती हैं सब कुछ। और चूल्हे का खाना बहुत ही अच्छा होता है, और मुझे तो इतनी ज़्यादा चूल्हे की रोटी खाने की आदत लग गई है कि मेरी गैस की रोटियों से पेट तो भरता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से भूख लग जाती है। और ये चूल्हे की रोटियाँ इतनी टेस्टी और गजब होती हैं, अच्छी होती हैं। और यहाँ पर ये दोनों नानी नमासी लगे हुए थे आपस में चूल्हा बनाने में दोस्तों। और मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मन तो करता है, लेकिन कई बार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो नहीं देखते हो, इसीलिए मेरा मन कभी कभी खट्टा हो जाता है। और कई बार ऐसे मन कर जाता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं। और यहाँ पर मैं बाबू की फ़ोटो खिंचवाने गई थी तस्वीर, क्योंकि मुझे बनवानी थी डुगू की तस्वीर, क्योंकि नक्श इतना बड़ा ही था जब मैंने उसकी तस्वीर बनवाई थी, तो हम इसे काफ़ी देर से खेलों में लगाए रखे थे कि खेल में लग जाए और हम इसकी अच्छी सी एक हंसते हुए की तस्वीर बनवा लें। लेकिन कभी ये बैठ जाता है, कभी रोने लगता है, और ऐसी गाड़ी ऐसे ही चल रही थी गाड़ी। और ये मतलब मेरी मौसी के लड़का है मेरा भाई, जिन्होंने पास में ही दुकान खोली हुई है बी नारायण गेट पर, तो मैं वहीं पर गई थी इसकी तस्वीर बनवाने के लिए, मार्केट में नहीं गई थी। और मतलब बड़े ही मशक्क़त करने के बाद दोस्तों ये हंस गया था और तस्वीर खिंच गई थी। और हाँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम पी रहे थे गन्ने का जूस, गोलगप्पे भी हमने खा ली थी, लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पर बिनारन गेट पर ही जो हमारे रिश्ते में मतलब रिलेशन में चाचा लगते हैं, तो ये ही जूस निकालते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूस होता है इनका। और यहाँ किट्टू और मैं दोनों ही बैठे हुए थे जूस पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था गन्ने का जूस पिए। और यहाँ देखिए किट्टू बना रही है वीडियो, और इसको भी वीडियो बनाना आता है, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसी वीडियो वगैरह नहीं बनाता, कोई पसंद नहीं करता वीडियो बनाना। और अब यहाँ पर हम जूस पी कर जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब जो भरतपुर के करंट वाले लट्ठे हैं, यहाँ पर तिरंगा वाली लाइट कितनी अच्छी लगी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ये पहले नहीं थी, ये अभी लगी हुई है। पहले तो इस तरह से मतलब लाइट भी बहुत कम थी, अंधेरा रहता था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे सारी सुविधाएं हो गई हैं। और यहाँ पर मैं बाबू को गोद में ले रखा है और जा रहे हैं हम। और ये देखिए रात ज़्यादा हो गई थी,
और भैया भी ये डर लग रहा था डांट ना दें, क्योंकि किट्टू मेरे साथ आई थी और इतनी लेट है, हम घर से बाहर तो नहीं निकलते, लेकिन वो फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा टाइम लग गया था। और दोस्तों क्योंकि मेरा 2-3 दिन बाद में चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने फ़ोटो खिंचवाए थे बाबू के, और यहाँ पर मैं थक गई थी बाबू को गोद में उठाते उठाते। और ये देखिए टुकू किस तरह से देख रहा है, इसको घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि भैया डांट लगाएंगे, और 100% किट्टू।